हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सेफ हैं और अच्छी हेल्थ में हैं। पिछले तीन पार्ट्स के अंदर जो कि हमारा सक्सेसफुल करियर मैनेजमेंट की सीरीज है, उसमें आपने सीखा है कि किस तरीके से सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उस इंटरेस्ट को पैशन में तब्दील करते हैं और उसके बाद हम अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। चौथी चीज जो आपको ध्यान देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है जब हम इस सक्सेसफुल करियर मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस को खत्म करते हैं, और वो है सर्च फॉर अ सूटेबल जॉब। अब टाइम आ गया है कि आप अपनी जॉब को, जो आपकी सूटेबल जॉब है, जो पैशन एरिया है, उसके अकॉर्डिंग आप उस जॉब को सर्च करें। जी हाँ, आप किस तरीके से जॉब को सर्च करेंगे? आपको जॉब पोर्टल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी naukri.com, shine.com, timesjob, monster.com जैसे कुछ प्रोमिनेंट जॉब पोर्टल्स हैं जहां पर आप अपना रिज्यूमे या सीवी अपलोड करेंगे और आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगे आपके जॉब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका पैशन एरिया रहेगा। आपको जब ये आते हैं, आप उसी के साथ साथ अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करेंगे ताकि आपको जब भी कॉल आए आप उनको हाँ बोल सके। इंटरव्यू शेड्यूल होता है और उसके बाद आप वहां पर जाके एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करें और उस जॉब को हासिल करने वाले हो सके। जब आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप कुछ ना कुछ यूट्यूब वीडियोस देखें। अगर आप किसी एक कोच हो जो आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करा सके, हायर कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जरूर करें। ये कुछ टिप हैं जो आपको मदद करेंगे एक अच्छी, सही, आपके पैशन के अकॉर्डिंग जॉब आइडेंटिफाई करने में और उसको क्रैक करने में। अपना रिज्यूमे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, रिज्यूमे बेसिकली फ्रेशर लोग तैयार करते हैं और सीवी एक्सपीरियंस लोग तैयार करते हैं। आपको पता होना चाहिए ताकि आप उस अकॉर्डिंग उस चीज को तैयार कर सकें। और रिज्यूमे बेसिकली एक या दो पेज का होता है, सीवी उससे ज्यादा पेजेस का होता है। आप ध्यान दें अपने रिज्यूमे और सीवी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसकी रिसर्च करें। अगर बनाने के लिए आप किसी को हायर करना चाहते हैं तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप उसको हायर करें। आफ्टर ऑल इट्स योर पैशन दैट यू आर फॉलोइंग, और अपने पैशन के अकॉर्डिंग आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। जब आप अपना रिज्यूमे और सीवी बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं, तो रेगुलर रहिए, रेगुलर एंगेज रहिए, रेगुलर उन जॉब पोर्टल्स को या ईमेल को चेक करते रहिए किस तरीके से कौन सी जॉब्स वगैरह आ रही हैं, और उसके बाद अपने स्किल्स को नरिश करना ना भूलें। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको अपनी स्किल्स के ऊपर रेगुलरली काम करना है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी सीरीज के चारों पार्ट्स आपको लाभदायक लगे हैं, बेनिफिशियल लगे हैं। आप इसको फॉलो करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से काम करेंगे, और ये चौथी वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल रही है। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी वीडियो के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों तक इस वीडियो को फैलाएं ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनको ये चीजें नहीं पता है, जो नया कुछ सीखना चाहते हैं और अपने करियर को सक्सेसफुली मैनेज करना चाहते हैं, वो भी इन बातों को सीख सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।